गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रतीक है, मैं इजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। बस आप मेरे को 10 मिनट का समय दीजिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, मेरे को कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए। सॉरी सर, आपको फिर से डिस्टर्ब किया, मेरी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉमिस करता हूँ कि 10 से 11 मिनट लगेंगे, आपका प्रॉफिट ही होगा। चला जा। सर, जैसे कि लाइफ में कोई प्रेडिक्टेबल नहीं होता, उन जनों को हमारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। सर, जैसे कि आपकी हेल्थ इशू और आपकी फैमिली की हेल्थ इशू होती है, इसके ऊपर हमारी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगी आपको। सर, ये मेरा कंपनी का वाउचर है, देखो सर, इसमें 1,00,000 की वो भी है, 1,06,000 प्रीमियम और 1 ईयर पीरियड्स। आपके 10 मिनट पूरे हो गए, चलिए। अरे यार, तुम फिर आ गए। सर, मैं अपना फोन भूल गया था। थैंक यू सर। गर्मी बहुत है बाहर, पानी पियोगे? जी सर। थैंक यू सर। अच्छा, एक बात बताओ, इंश्योरेंस क्यों बेचते हो? सर, आपका 10 मिनट मैंने ऐसे ही जाया नहीं किया था। मेरा मानना है कि लाइफ में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, पर भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, इसलिए हमें पहले से तैयार होकर रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब मैं जिंदा रहा तो आपका प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकता? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी तो बात है ना, अगर मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करना है तो मुझे मरना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। I'm sorry सर। अरे तुम तो बुरा मान गए। अरे मुझे पता है इंश्योरेंस के बारे में, अरे मैं तो तुम्हारी यूं ही टांग खींच रहा था। पीते हो? जी। वुड यू हैव अ ड्रिंक? सर, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा अभी। अरे तेरे को पीना है तो पी ले यार, वरना मत पी। सर, अगर आप चाहते हो आपको फैमिली टैग दिखा सकता हूँ इंश्योरेंस का। अरे भाई नहीं, तू रिलैक्स करना यार, सिर से पांव तक तू पसीना पसीना हो रखा है। वैसे दिन में कितनी पॉलिसी बेच लेते हो? सर, एक दिन में टारगेट 2 से 3 का होता है। 2 से 3? तो आज कितनी बिकी? अब तक तो 1 भी नहीं। तो 3 तो बच गए आज, तो आज का टारगेट तो आप बीट नहीं कर पाओगे। ऐसा ही है सर, कभी टारगेट पूरा होता कभी नहीं। सही है यार, जितनी भाग दौड़ कर लो टारगेट कभी बीट हो ही नहीं पाता। सर, आपने बताया नहीं है अपने बारे में, आप क्या करते हो? मैं बस समझ लोगे, तुम्हारे तरह ही खचरों वाले काम करता हूँ। सर, एक बात पूछू? आपको पढ़ने का शौक भी है और लिखने का? तुम्हें किसने बताया कि मुझे लिखने का भी शौक है? नहीं सर, ऐसी लगा तो पूछ लिए। तुम वाइल्ड गेस मार रहे हो तुम। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा। सर, लिखने का शौक तो मुझे भी है, कुछ तो नहीं है ना? बोला ना, कुछ सुनाने लायक नहीं है। ओके सर। अगर फितरत की कलम हमारे हाथों में होती तो दास्तां कोई और लिख रहा था। ख्वाबों से तो कब का रिश्ता टूट चुका है, अरमानों के बाद भी दिख रहे हैं कोहरे में खोते हुए। अपनी किस्मत खुद बनाने की सलाह
तो सुनी है, हाथों की लकीरें बदलने वालों को भी खूब देखा। आज नजरें झुकाए अपने हाथों को देखा करते हैं, सोचते हैं इन हाथों के खुदरे निशान को कैसे मिटाया जाए। मैं एक राइटर बनना चाहता था, बहुत अच्छा लगता है, पर बन नहीं पाया। क्यों? शायद हिम्मत, शायद किस्मत। सर आप अकेले रहते हो? मेरा मतलब फैमिली, वाइफ। मेरा डिवोर्स हो चुका है। आई एम सॉरी सर। तुम बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? जी। लव या अरेंज? अरेंज। ये लव सब तो आप जैसे बड़े लोगों के यहाँ होता होगा सर, हमारे यहाँ तो। मेरा मतलब ये नहीं था सर, सॉरी सर। अच्छा, तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ डाउट था? जी पूछिए। ये किन किन सर्कमस्टांसेस में कवरेज देता है? सर गॉड फॉर ब्लाइंड, अगर डेथ नेचुरल कॉजेज से हो या एक्सीडेंट से हो या मर्डर से भी हो तो कवरेज पूरी कंपनी लेवल की होती है। अच्छा, सुसाइड के केस में भी? सुसाइड? सुसाइड तो सर क्रिमिनल ऑफिशियल्स है तो डेथ ना। सुसाइड करना गलत है, मेरा मतलब अननेचुरल है। तुम कौन होते हो सुसाइड को जज करने वाले? सामने वाला कितने तकलीफ में है तुम्हें क्या पता? सर अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना चाहिए। अच्छा तो तुम बताओ, आज की डेट में तुम अपनी लाइफ के लिए तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, तुम तो लिखते हो ना। कुछ खास नहीं लिख पाता, अब तो सारी लाइफ भाग दौड़ में निकल जाती है। और तुम खुश हो? मेरे खुश होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे देख के तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ कितनी खराब हो सकती है आगे जाके? रोज दोपहर में अकेले बैठ के दारू पीता हूँ। अरे तुम ऐसी लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ रहे हो? अरे कुछ करो इससे पहले कि वो तुम्हें अंदर से खोखला बना दे। वो कौन? कुछ नहीं, देखो मैं 15 साल से अपने आप से लड़ रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं, तुम्हारे पास तो टाइम है। सर अब हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें नहीं पता अकेलापन कैसा महसूस होता है। अच्छा एक काम करना, यहाँ से सीधे ठेके जाना, और ठेके जाने के बाद ही वहाँ से दारू लेना, और दारू ले जाने के बाद उसे पीना अकेले, और फिर सोचना। कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को? 2 साल। बच्चे हैं? नहीं। और तुम खुश हो, घर की सारी जरूरत पूरी हो रही है? पता नहीं, घर तो चल रहा है। सुबह से शाम तक टाई पहन के दुनिया को चूतिया बनाते हो और खुद भी बनते हो। सब जानता हूँ मैं तुम्हारे घर में कितनी खुशी है और तुम में कितनी खुशी है। सर देखिए, ना ही मैं आपको जानता हूँ ना ही आप मुझे जानते हो, तो अच्छा होगा कि इस बारे में हम बात ना करें। डर लग रहा है झूठ टिक नहीं पाएगा? कोई झूठ नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तू कुछ भी नहीं कर रहा भाई, तू कुछ भी नहीं कर रहा, ना तू वो काम अच्छे से कर रहा है ना कोई वो काम अच्छे से कर रहा है। मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। सच बात बता रहा हूँ तो तुझे कड़वी लग रही है। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर ड्रिंक। अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? घुटन होती है ना अपने आप से, अंदर ही अंदर रोते हो ना? होती है घुटन, आपको क्या पता किस दौर से गुजर रहा हूँ मैं। रोज शर्ट और टाई पहन के डेली पॉलिसी बेच से निकलता हूँ, जब भी घर आता हूँ बीवी के ताने कि गैस नहीं है, राशन नहीं है, ना ही कार नहीं है। कोई है वहाँ पे? कहाँ? जी जगह कोई हमें देख रहा था। क्या तो था वहाँ पे? नहीं पता। किसे देखा तुमने? मैं कैसे महसूस कर सकते हो? मैं देख रहा था। दूरी कैसे महसूस कर सकता है? पता मुझे तो कोई है मेरे को जो देखता रहता है। आज तक ये मैं सोचता रहा कि मेरे अंदर की बेबसी है। तुम पागल हो, मैं एक मिनट भी आ रहा तो तुम मेरे को पागल बना दोगे। पागल नहीं हूँ, मुझे इस बात का एहसास दिलाता रहा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या वो था? तो तुम वो कैसे देख सकते हो? यहाँ से कैसे नहीं जा सकता? ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे मार डालो। नहीं।
काफी वक्त निकल चुका सूरज को गुजरे हुए। सांझ की परछाई ने कब का डेरा डाल दिया, ना जाने ये घनघोर अंधेरा है या भेद कोहरा। डर है कहीं देर ना हो जाए सुबह होते होते।